भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय सत्पाल जी, हमारे प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष आदरणीय गुलाब जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव भूपेंद्र जी यादव, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण जी चतुर्वेदी, हमारे पूर्व मंत्री राजेंद्र जी राठौर, यहाँ के विधायक और पूर्व मंत्री डॉक्टर दिगंबर सिंह, पूर्व मंत्री सुभाष जी नहरिया और जनार्दन जी, डॉक्टर हरि सिंह जी, जिला अध्यक्ष श्री भजनलाल जी, सभी विधायक, सभी पदाधिकारी, सभी जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता मेरे सामने बैठे हुए, मेरी इतनी सारी संख्या में यहाँ बैठी हुई मेरी माता बहने और मेरे सब बुजुर्ग और भाई, आपको सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। गर्मी अच्छी तगड़ी हो गई है, उसके बावजूद भी सब लोगों ने इतनी संख्या में आके हम सब की हौसले अफजाई की और इतने प्यार के साथ हम सब का स्वागत किया। हम सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। आपको यही बताना चाहती हूँ कि ये प्यार के पीछे ही हम लोग पागल होते हैं। आप ये प्यार देते रहते हो, हम दौड़ते रहते हैं, आप पीठ थपथपा देते हो तो एक ने दस काम करने को तैयार है। आप ये देते रहोगे तो दौड़ते रहेंगे, ऐसी कोई कमी नहीं होगी। ये मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ। मेरे फोटोग्राफर भाइयों, प्लीज आप लोग बैठ जाओगे तो मेरा काम भी हो जाएगा। मेरे को चिंता नहीं है, मेरी शक्ल नहीं जाती, बैठो बैठो। आप बोल रहे बैठ जाओ, कुछ नहीं हो गया, कोई बिठा देगा फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। बोलो यहाँ एक दफा नहीं, दो दफा अच्छी तरह से बोलते हो तो तीसरी दफा जानती हो, इसलिए मैंने कहा जल्दी बैठ जाओ, मुसलमान भी तुम्हें नोट कर। मैं आप लोग सबको आज इस कार्यक्रम में मुझे एक्चुअली मैं बहुत खुशी हुई, मैं सबको यही कहा था बीच को मैं से निकलते हुए जाएंगे, आपके सबके लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और प्यार देते जाएंगे। मुझे मालूम है कि ये ऐसा क्षेत्र है जिस क्षेत्र के अंदर लोगों ने तो आके ऐसा प्यार उड़ेगा है, और आने वाले समय के अंदर भी मेरा यह विश्वास है कि इसमें कोई कमी आने वाली नहीं है। इस क्षेत्र के अंदर, इस भरतपुर संभाग के अंदर पांच नहीं, अभी आठ दिन होने जा रहे हैं। दौरा करने के बाद मेरे ये ध्यान में आया कि इस सरकार का पूरा सौतेला व्यवहार इस क्षेत्र के साथ, जहां जहां भी डांग इलाका है, जहां जहां भी हमारे सब लोग हैं, ऐसे जगह के अंदर उन्होंने कोई भी काम नहीं किया। जहां मैं जाती हूं प्रश्न वही पूछती हूं, जवाब वही आता है, और मुझे मालूम है कि मैं आपसे पूछूंगी तो वो जवाब आप ही दो। जर जर करके पीने का पानी नहीं, बिजली नहीं, जो स्कीम जिन्होंने ऊपर से जयपुर के अंदर कही है कि वो स्कीम ना तो मिलने वाली है, उन स्कीम के अंदर मैं समझती हूँ कि कोई भी आज तक जनता के बीच में सक्सेस नहीं हुआ है। चाहे वो सस्ते दवाई का हो, चाहे वो सस्ते मुफ्त जांच का हो, चाहे वो कोई रुपया गेहूं के हिसाब का हो, चाहे वो 50,000 बीपीएल के घर बनाने के लिए हो, चाहे किसान के लिए 1,50,000 का कर्जा बिना ब्याज से देने का उन्होंने अनाउंस किया हो, उसके अंदर मैं नहीं समझती कि कोई भी लोग यहाँ है जिनको कुछ भी उसमें से मिला है। मिला किसको बिना ब्याज का ऋण मिला? यहाँ 1,50,000 किसी को मिला? मैं बता रही हूँ आपको, जहां जहां मैंने पूछा वहां किसी ने एक एक रुपये ने कहा 20,000 मेरे को मिले, 30,000 एक ने कहा,
परंतु 1,50,000 में से 20,000 और 30,000 तो गए काम सब पैसे कहां गए? आप ही के बैंक के पैसे, आप ही के पैसे दिए, आप ही का पैसा, और वो लूट रहा है इस राजस्थान के अंदर। मैंने जो दूसरा पूछा आपसे पानी का, बिजली का, पानी का पता किया तो पूरे क्षेत्र के अंदर खारा पानी, और वो भी सही तरीके से नहीं पूछ रहा है। जहां भी खेचू है वो सब खेचू बंद, और जब पानी का विश्वास लोगों को दिलाया था कि आप चिंता मत करना आप तक पानी आएगा, वो आज तक पानी आया क्या? मैं आपको बता दूं कि ऊपर जयपुर की है, जयपुर की सरकार में कौन बैठा है? कांग्रेस की सरकार। दिल्ली के अंदर कौन बैठा है? हरियाणा में कौन बैठा है? तीनों जन कांग्रेस की सरकार। आपको कड़ी से कड़ी जुड़ गई, कड़ी से कड़ी जुड़ने के बाद जो यमुना के पानी का इंतजाम हम लोगों को करने की जरूरत थी, वो यमुना का पानी 4.5 साल निकल गए, अभी तक क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? आपका सर एक ही है, और मेरा ये कहना है कि अगर वो यमुना का पानी सही तरीके से आ जाता है, उसमें चंबल का पानी पीने के लिए हम अलग से जोड़ देते हैं, तो सिंचाई का पानी भी पीने का पानी दोनों काम हमारे हो जाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि अपने क्षेत्र के लोगों को आराम होगा, होगा कि नहीं? पानी की स्थिति, बिजली की स्थिति अपने टाइम के अंदर आप लोगों के अंदर दो लाइन डाल के, एक तो किसानों के लिए अलग से और एक महिलाओं को और घरों के लिए अलग से हमने ये कोशिश की कि आप लोगों को वो सिंगल फेज की लाइन के द्वारा 24 घंटे बिजली मिले। अपने समय, अरे मैं आपकी बात कर रही हूँ, 2008 की बात कर रही हूँ। 2008 के अंदर जब हमने दो लाइन किए थे तो महिलाओं के घर के अंदर हमने बिजली लाने की जो बात की थी, उस बिजली के अंदर 18 से 24 घंटे बिजली देने का काम जब हमने किया, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अब ये 5, 6 और 7 घंटे तक क्यों सिमट के रह गया? और किसान की बिजली जब हम लोग 5 और 6 घंटे दिया करते थे, तो आज ये 2 और 3 घंटे पे सिमट के क्यों रह गया है, ये मैं पूछना चाहती हूँ। 3 घंटे ज्यादा बिजली मिल रही है किसानों को? वो भी ट्रिपिंग है कि नहीं? ट्रिपिंग जोरदार। और जब आपके जो ट्रांसफार्मर होते हैं बिगड़ते हैं, तो वो ट्रांसफार्मर जब बदलने जाते हैं तो उनको 5-4 घंटे में नहीं, अपने टाइम में हुआ करता था, अब 2-2 महीने लग जाते हैं, और 2-2 महीने में काम करवाए तो आपको जब तक आपने रिश्वत नहीं दिया तब तक वो ट्रांसफार्मर वापस आता है क्या? नहीं आता। ये तो आपकी स्थिति हुई, अब फिर आपके रोड को क्या शानदार रोड बना रहे हैं आपके क्षेत्र के अंदर, देखते ही मजा आ गया। आज जिलाध्यक्ष जी हमारे साथ बैठे हुए थे गाड़ी में, तो जब गड्ढे का था बोले ऐसा है गड्ढा है, आगे चल के आपको अच्छा लग जाएगा, क्योंकि ऊपर का जो है ना हमने उसको स्क्रेप करके हटा दिया है, तो आपको सड़क अच्छी लगेगी, वो कोई खराब नहीं है। तो मेरे साथ जो लोग थे वो तो हंसने लगे, उन्होंने बोला ये देखो इसको बेचारे को ये जो रोड है वो ही अच्छा लग रहा है, अब क्या करें, इन बेचारों की नसीब में यही रोड 4.5 साल से ऐसे ही लिखा हुआ है, तो उनको ये लग रहा है कि वाह वाह क्या बढ़िया रोड करके दे दिया है, अभी रुक जाओ, बात जब तक पार्टी सरकार आएगी तो ऐसे रोड आपको मिलेंगे कि आपको मालूम पड़ जाएगी कि कौन सा अच्छा रोड होता है और क्या होता है बुरा रोड। आप हमारे रोड के ऊपर कभी जाकर देखोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगी कि कितने अच्छे चमचमाते हुए सड़क उस समय बने, और आप अच्छे से जानते हो कि आपके आगे लगे लगे जो हाईवेज है वो हाईवे के अंदर किस तरीके से और कैसे रोड बने हैं, तो किसी से छिपी हुई नहीं। दूसरे ये सरकार के अंदर क्या चाहता है गरीब आदमी कि हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे बड़ा करेंगे उसको नौकरी मिलेगी, यही चाहते ना? कितने लोगों को, कितने बच्चों को 4.5 साल के अंदर किसी को यहाँ नौकरी मिली है? 60% पद कर्मचारियों के हैं खाली, टीचर के पद हजारों की संख्या में हैं खाली, डॉक्टरों के पद हजारों की संख्या में हैं खाली। आज आपके यहाँ स्कूल के अंदर टीचर नहीं है, जब मैं पूछती हूँ तो बोलते टीचर नहीं है, अस्पताल में बोलते डॉक्टर नहीं है, और ये इसलिए नहीं है कि इनकी भर्तियां ही नहीं हुई है, अगर भर्ती हो जाती तो ये 60% कर्मचारी के पद खाली नहीं होते। भारतीय जनता पार्टी के टाइम में पद खाली नहीं थे,
हम लोगों ने कोशिश की थी टीचर को बनाओ, डॉक्टर को बनाओ। हमने कोशिश करके 10 लाख बच्चों को नौकरी दी थी, जिसमें से कुछ तो गैर सरकारी थे और कई तो गैर सरकारी थे। आज के दिन 50,000 से भी कम नौकरियां लोगों को मिली है। बच्चे सड़क के ऊपर डोल रहे हैं। सब लोग कहते हैं कि भैया हमें तो यहाँ नहीं रुकना, इस गांव से जाके ग्वालियर चले जाओ, आगरा चले जाओ, मथुरा चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, जयपुर चले जाओ, परंतु यहाँ रहने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें कुछ जीवन यापन का जरिया ही नहीं मिले। कितने बच्चे छोटे छोटे गाँव में चले गए। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि काफी मिली थी नौकरी, आगे सरकार अपनी बनेगी तो फिर मिलेगी नौकरी। और ये सबको याद रखने की जरूरत है, इसके 36 के 36 गांव इनको हमने गले से लगा के रखा, इनको सबको साथ ले जाकर और सबको रोटी देने का काम हम लोगों ने अपने हाथ में रखा। और हम आपको सबको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जब सरकार मिली थी तो गड्ढे में पड़ी थी। इसको बीमारू प्रदेश कहा जाता था। बीमारू प्रदेश को गड्ढे में से निकाल के खड़ा करने का काम हमने किया और 5 साल के अंदर बदलाव राजस्थान में आया। ये आप लोग सबने चला के मुझे कहा है, अगर 5 साल के अंदर हम लोग सरकार में मेहनत करके राजस्थान की शक्ल बदल सकते थे, अगर लड़ा क्षेत्र आपका मध्य प्रदेश का मेहनत करके उनको 10 साल मिले, उनकी जनता ने 10 साल दिए, उन्होंने अपने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को मानचित्र के देश के मानचित्र के ऊपर ला के रख दिया। और गुजरात के मुख्यमंत्री ने 15 साल के अंदर देश नहीं दुनिया के नक्शे के ऊपर ला के गुजरात को रख दिया। और 5 साल में अपन ने ये काम किया। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इस कांग्रेस की सरकार ने इनको 60 साल दिए और आज हम लोगों को इस तरीके से गड्ढे में डाल के जो बड़ा पाप किया है उसको एक भी व्यक्ति यहाँ जो बैठा है वो भूल नहीं सकेगा। और वो कहेगा जब समय आएगा तो उस कुर्सी पर उतार के नीचे लाने का काम इस कांग्रेस का आप लोग मिलकर करोगे, ये मैं विश्वास करती हूँ। आज लड़के बच्चे भटक रहे हैं। महिलाओं से पूछूं तो महिला सुरक्षित नहीं है। कितने अत्याचार उनके ऊपर डाले जा रहे हैं, कई बलात्कार, बच्चियों तक को नहीं छोड़ा है। अगर ऐसी सरकार जो हमारे माताएं बहनों की इज्जत को बना के नहीं रख सकती, उसको तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। ऐसी सरकार को रख के मैं समझती हूँ कलंकित होते हैं। और सबसे बुरी बात तो यह है कि 5 साल के अंदर हम लोगों ने चला के राजस्थान को उसकी इज्जत और उसके स्वाभिमान वापस दिए। हमने सब आदमियों को बड़ा किया, चाहे वो कितना भी गरीब हो, क्योंकि हम जानते हैं कि राजस्थान का आदमी घास की रोटी खाने को तैयार है परंतु अपनी इज्जत और स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ करने को तैयार नहीं है। और इसीलिए राजस्थान के लोगों को उसकी इज्जत वापस देने का काम हम लोगों ने किया। और मैं आप सबको कहना चाहती हूँ कि कुछ भी होगा राजस्थान की एक इज्जत को हम लोग बरकरार रखेंगे, चाहे वो कितना भी गरीब व्यक्ति क्यों ना हो। और उन लोग सबको लेके एक परिवार के रूप में जैसे मैंने कहा प्यार से ले जाके उनके काम को पूरा करवाने की कोशिश, ये विश्वास आपको दिलाने के लिए हम सब यहाँ आपके बीच में खड़े। मैं कहीं देखना चाह रही थी कि हमने अपने समय में आप लोगों के बीच में क्या क्या काम किए। सबसे पहले तो भरतपुर को संभाग बनाने का काम किया और 4 डिस्ट्रिक्ट उसके साथ जोड़े। मैं मानती हूँ कि अगर हम लोगों ने उस समय एक मीटिंग कैबिनेट की यहाँ कर ली होती, अगर इतना समय हमारे पास मिल जाता तो बहुत सारे काम आपके क्षेत्र के वैसे ही निपट जाते। सुजान गंगा का काम मैंने कहा था अपने हाथ में लेंगे। उस सुजान गंगा का काम जिस तरीके से बीकानेर के अंदर हम लोगों ने किया, उसी तरीके से गंदे नाले को बिल्कुल सुंदर बना के एक इज्जत का एक सुंदर सा स्थान आप लोगों के लिए बना के छोड़ा। किशोरी महल को हम लोगों ने फिर से ठीक करने की कोशिश की, अधूरा रह गया तो वो भी पूरा नहीं कर सके। खंडवा के अंदर एक सुंदर सा दृश्य आप लोगों को बना के रखा, उसकी जर्ज हालत करा के हमें रख दी, मैंने उसकी मरम्मत तक नहीं कर सके। आपके रोड के पानी की बिजली के लिए हम लोग ने बदलाव करने की कोशिश की। आपके यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज का इंतजाम और यूनिवर्सिटी के लिए जमीन देने का काम और उसके साथ साथ ओएसडी को बढ़ा के उसको पैसा देने का काम हम लोगों ने किया था, जिसको आते ही इन लोगों ने बंद किया।
अगर गलत था तो ठीक है, आपने बंद कर दिया, परंतु इस साल के बजट में आपने फिर से शुरू कर दिया। इसका मतलब यह था कि आप लोग को ये राजनीति कर रहे थे, आपने सोचा कि उस समय हम करेंगे तो ये डॉक्टर के खाते में और वसुंधरा जी के खाते में पड़ जाएगा, तो बेटर यह है कि चार साल तक हमारे बच्चों को सड़क पर डाल दो, परंतु राजनीति करो। और राजनीति करके लास्ट में आखिर में चुनाव के टाइम में हम अगर नाम दे देंगे और इसका अपने परमिशन दे देंगे तो ये सब लोग कुछ समझते नहीं है ना, कुछ भी नहीं समझते हैं, वो आपको आके वोट दे जाएंगे। इनकी राजनीति की जो गंदी आदत है, मैं कहती हूं कि चुनाव चुनाव तक तो राजनीति जितना भी है कर लो, परंतु चुनाव के बाद ये परिवार है, इस परिवार को संभालना और इस परिवार को सींचना ये सरकार का काम हो जाता है। और सरकार अगर राजनीति करती है तो ऐसी सरकार को एक मिनट उस कुर्सी में बैठना नहीं चाहिए। हम लोगों को 55 साल हो गए ये राजनीति देखते देखते, और इसीलिए दुनिया निकल गई है और हम लोग रह गए हैं। अरे भाइयों, क्या हम यही चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं ना कि हमारा एक नया सुंदर सा राजस्थान बने, कि जैसे गुजरात के लोग जाते हैं वो राजस्थान में फिर से आए। हमारा जब इतिहास देख रहे, राजस्थान का लोग आया करते थे, हमारी मिट्टी को अपने माथे से लगाया करते थे, और आप बीच में राजस्थान को कलंकित करने का काम किसी ने किया है तो इस कांग्रेस की सरकार ने किया है। आज अगर कोई बात करता है राजस्थान के बारे में तो बोलता है कि सबसे ज्यादा चेन महिलाओं में अगर खींचती है तो वो जयपुर राजस्थान में। अगर महिलाओं के ऊपर प्रताड़ना होती है और महिलाओं के अत्याचार होते हैं तो तीसरे नंबर पर राजस्थान। अगर एसटी और एससी के ऊपर अत्याचार होते हैं तो चौथे नंबर पर राजस्थान। वाह वाह, कैसे सुंदर बातें हैं। इन सब चीजों को ध्यान में रखने की बात हम लोगों को रखनी चाहिए। तो मैं आप लोगों को बार बार ये कहना चाहती हूँ कि किसी भी हालत में अब हम लोगों को राजनीति किसी को करने नहीं देना है। ये हमारा हक है, ये हमारा पैसा है, और ये हमारा पैसा और हमारा हक हमको मिलना चाहिए। इस कांग्रेस ने हमारा ये हक हमसे छीन लिया है और पूरे राजस्थान के अंदर लूट मचा के रखी हुई है, लूट। चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे उसके मंत्री हो, चाहे उसके मंत्री हो, किसी ने किसी को नहीं छोड़ा। ऊपर से नीचे तक इन लोगों ने पैसे ले लेके आप लोग अपने जेब भरे हैं, अपने घर भरे हैं, अपने लिए बच्चों की शादियां कर रहे हैं। आज ही देख लीजिए दिल्ली के अंदर कौन सा वो रेलवे मंत्री, उसको इस्तीफा देना पड़ा। कानून मंत्री, उसको इस्तीफा देना पड़ा। और अब कुंडली लगी हुई है प्रधानमंत्री की तरफ। पूरी सरकार ऊपर से नीचे तक लूटोरों से, लुटेरों से भरी हुई है। और हम लोग यहाँ बैठे हुए थे, हमको जवाब देना पड़ता है। और मुख्यमंत्री खड़े होकर बोलता है कि वसुंधरा राजे ने इसका ये किया, मुझे तो आप लोगों का विश्वास, आप लोगों का प्यार और ईश्वर, इसकी वजह से खूब खड़का लिए, फाइलें देख ली, आपने कमीशन बना लिया, सब कुछ कर दिया, परंतु आपकी चुंदड़ी की इज्जत को हमने अभी तक मिट्टी में मिलने नहीं दिया है। ये परिवार है, परिवार को साथ रखते हैं। अब हमें नया राजस्थान बनाना है। इस नए राजस्थान के अंदर नौजवानों को नौकरी, नौजवान अपने पैर पे खड़ा हो, हमारी महिला सुरक्षित हो, हमारे किसान सही समय पर उसको पानी मिले, बिजली मिले, खाद मिले, बीज मिले, जब वो जाता है अपने फसल को बेचने के लिए तो उसका अच्छा मूल्य मिले, उसको सही किस्म से लोन मिले, और अगर कहीं ऐसी आपदा हो जाती है तो उसको सही समय पे मुआवजा मिले। मैं यहाँ पूछना चाहती हूँ, नहीं बोला हुई थी, हुई थी डॉक्टर कह रहे बड़े जोर से हुई थी, अगर जोर से हुई थी तो मुआवजा मिला? मुआवजा का पैकेज बना दिया है और पैकेज बनाकर आप लोगों तक पहुंचाने का काम वो कर रहे हैं, और आप कह रहे नहीं मिला। तो ऐसा राजस्थान जैसे ये सब काम जो हमारा काम है वो हमको सही समय पर मिले। आप लोग नहीं चाहते क्या? चाहते हो ना? चाहते हो कि नहीं चाहते हो कि ऐसा राजस्थान हो जिससे आपको नुकसान नहीं, फायदा ही फायदा हो? आज सरकार को तो वोट हम देते हैं, सरकारें हम बनाते हैं, और किससे भी सरकार हो। इसीलिए भी कुमेर के लोगों ने तो बहुत अच्छी बात की कि सरकार के अंदर भी भागीदारी रखी, और जब सरकार नहीं थी
तब भी साथ जताया और मैं विश्वास करती हूँ कि अब फिर सरकार आएगी तो उसमें भी अपनी भागीदारी रखने में कई पीछे नहीं हटेंगे। अब समय आ गया है कि सरकार वापस आप लोगों के पास तो आना ही आना है। 4-6 महीने बाकी बचते हैं तो सरकार को जनता की याद आ गई, इसलिए रोज रोज कैसे बांटे जा रहे हैं, चाहिए क्या चाहिए आपको बताओ, आपको क्या चाहिए बस नाम ले लो कैसा मिल जाएगा, मिला नहीं है अभी तक। परंतु अगर आपको सोने की महल चाहिए तो सोने की महल की बात कर लो, वो ये कहेंगे आपको कि आप वोट डाल देना उसके बाद में सोने का महल आपको जरूर दे दूंगा। दूध की नदी चाहिए, चाहिए तो बोल दो हाँ हमको चाहिए, और आप लोग तुरंत ही कह देंगे कि आप इसकी चिंता मत करना वोट डाल दो उसके बाद उसको दूध की दही भी मिल जाएगी। मैं कहना सब लोगों को चाहती हूँ कि ये तो आपके पैसे हैं, ये आपके गाड़ी कमाई के पैसे हैं, इस पैसे को लेने में कोई मुसीबत नहीं है। मैं तो बार बार कहती हूँ अपना पैसा ले लो, परंतु जब समय आएगा उसका समझ के तौल के अपना वोट देने का काम करो, ये पैसे के एवज में वोट नहीं है। और मेरा मैनेजर ये कहना शुरू कर दिया, जगह जगह पे जाती हूँ तो मैं ये बात करती हूँ, तो मुख्यमंत्री कहने लगे कि जनता का पैसा है इसीलिए मैं जनता के बीच में ही तो बांट रहा हूँ। बताओ मैं ऐसी तो बांट रहा हूँ, मैं वोट थोड़ी खरीद रहा हूँ, मैं पैसे ही बांट रहा हूँ। तो जनता का पैसे तुम ऐसे ही बांट रहे हैं तो पहले कर लेते, 4.5 साल तक क्यों नहीं बांटे, ये 6 महीने और ये 4 महीने में तुम्हें याद क्यों आई जनता, और जनता के पीछे तुम पैसे लेके क्यों पड़ रहे हो, ये सब लोग पूछना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी सब जानते हैं कि जनता का पैसा है, जनता की जेब में नहीं है, ये अब जेब आपके जेबों में जाने की तैयारी में है, कई जगह में तो आप लोगों के जेब में भी पहुंच चुका है, ये सब हम लोगों को सब कुछ मालूम है कि किसी भी व्यक्ति से चाहे वो कितना भी गरीब हो तो उसे छुपी नहीं है। और जनता का पैसा अगर जनता में जाता है तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि वो कहते हैं कि हम तो दे ही रहे हैं तो कलमाड़ी साहब क्यों जेल में, राजा साहब क्यों जेल में, और इन लोगों की क्यों तैयारी हो गई सबको जेल में जाने की, क्योंकि अगर जनता का पैसा जनता में जाता तो इन लोगों को किसी को जेल में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये तो जा इसीलिए रहे हैं क्योंकि जनता का पैसा जनता के पास नहीं पहुंच रहा है, इस चीज को ध्यान में रखना। अब मैं तो सिर्फ इतना ही कहने आपको आई हूँ कि जनता का पैसा जनता में जाता तो सोनिया गांधी को भी ये चिंतन शिविर जयपुर में करने की जरूरत नहीं होती, सबको चिंता लगी हुई है। और आज मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाने आई हूँ कि लड़ाई लड़ी जाएगी, जोरदारी से लड़ी जाएगी, और हम और आप मिलके राजस्थान के अंदर एक नया राजस्थान बनाने का काम चालू करेंगे। इसमें हमारी महिला अपना सिर उठा के चलेंगी, हमारा किसान मजबूत होगा, हमारे बच्चे पीछे नहीं हटेंगे। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि लड़ाई को हम लोग मिलकर आज दूसरे के साथ करेंगे। मेरे को याद दिला रहे हैं, क्यों याद दिला रहे हैं तो बाद में बताऊंगी। वो कह रहे हैं कि माने राजा जरूर की बाउंड्री का क्या करोगे, ये सब पूछने के लिए बैठे हुए हैं। और गुड़गांव कनाल का विस्तार तो मैंने कहा गुड़गांव कनाल की बात ही तो मैं कर रही हूँ, तीनों तो इनके ही लोग हैं और अभी तक कड़ी से कड़ी इनकी मिली नहीं है। हम इसी कोशिश में है कि वो पानी आप लोग तक जाए और आए, और उसमें काम तो करना ही है। आज तो बहुत अच्छी स्थिति थी कि तीनों जन एक साथ थे तो कर सकते थे, मैं पूछ रही क्यों नहीं किया अभी तक। इन चीजों के ऊपर ध्यान तो हम लोगों को देना ही है और वो तो देने में हम लोग कभी पीछे हटे भी नहीं है। तो आपको भी चिंता करने की जरूरत नहीं, आप मेरे को दिखा रहे हो इसको चिंता करने की जरूरत हो तब भी याद आप लोग ही दिलाओगे। बस इतना ही मैं पूछना चाहती हूँ कि मुश्किल काम है, मैं जानती हूँ कि लोग दुखी हो रहे हैं कि ये क्या आगे चल के हम लोग कितना कर पाएंगे। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि जब मन में आ जाती है बात तो मन में हम सबकी अगर आती है तो हम लोग सब मिलकर कर सकते हैं। तो बताओ भैया हिम्मत है करने को तैयार हो है क्या? अरे डरने के मारे मरे जा रहे हैं और अभी तो 50 डिग्री पे आ ही नहीं हो। अभी तो मैं जब जाऊंगी जोधपुर वहां 50 डिग्री होगा, अभी तो यहाँ तो 43 ही है।
कुछ भी नहीं है, मरे जा रहे हैं, आबादी में निकल रही, बताओ मेरे को है हिम्मत? राजस्थान के नहीं, राजस्थान के अलग अलग क्षेत्र हम लोग मिलकर अपने अपने काम करवाएंगे। कांग्रेस का काम नहीं, अपना काम। तैयार हो, तैयार हो।